इस खान स्टार के साथ काम करना चाहते हैं। अजय देवगन तानाजी में हो गए फाइनल। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की बिग बजट फिल्म तानाजी में बतौर विलेन सैफ अली खान की एंट्री हो चुकी है। सैफ फिल्म में उदय भानरात और का किरदार निभाने वाले हैं। बता दें, अजय देवगन ने कुछ महीने पहले ही सैफ को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सैफ फिल्म को साइन करने में काफी समय ले रहे थे। दरअसल कल हो ना हो के बाद सैफ दो हीरो वाली फिल्म करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन तानाजी में अजय देवगन अपने साथ सैफ अली खान को ही लेना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने खुद सैफ से बात की, उनके किरदार के बारे में बताया और सैफ को इस फिल्म के लिए राजी किया। अजय देवगन ने सैफ को भरोसा दिलाया कि फिल्म में उनका रोल दमदार होगा। तानाजी में जहां अजय देवगन मुख्य किरदार यानी कि तानाजी मालसूरे का किरदार निभाएंगे, वहीं सैफ होंगे फिल्म के मुख्य विलेन। अजय सैफ इससे पहले भी कुछ फिल्मों में साथ दिख चुके हैं, जैसे कि कच्चे धागे, एलओसी कारगिल और ओंकारा। लिहाजा इन्हें एक बार फिर एक साथ देखना दिलचस्प होगा। तानाजी साथ में कर चुके हैं काम अजय देवगन और सैफ अली खान को हमने 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे, फिर ओंकारा और एलओसी कारगिल में साथ देखा था। फिल्में हिट रही थी और इनकी जोड़ी भी। उम्मीद करते हैं तानाजी में भी दोनों सितारे दमदार देखेंगे। तानाजी की शूटिंग अक्टूबर 2018 से शुरू हो सकती है, लिहाजा जल्द ही फिल्म के बाकी कास्ट के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। खबर है कि फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट काजोल देखेंगी। तानाजी मालसूरे, यह फिल्म यह मराठा योद्धा तानाजी मालसूरे की बायोपिक फिल्म होगी। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और वीर निष्ठावान सरदार थे। इन्होंने शिवाजी के साथ कई युद्ध लड़े हैं। तेलुगु सुपरस्टार, रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म में तेलुगु सुपरस्टार जगपति बाबू भी फाइनल हो चुके हैं। मुंबई के स्टूडियो में जगपति बाबू को कॉस्ट्यूम के साथ स्पॉट किया गया है। हालांकि उनका किरदार क्या होगा यह फिलहाल बाहर नहीं आया है। तानाजी की कहानी, गौरतलब है कि तानाजी ने प्रतापगढ़ का युद्ध भी लड़ा था जहां उनकी जान चली गई। बाद में वे किला सिरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। दिलचस्प बात है कि वह किला मुगल के हाथों से छुड़ाया गया था, लेकिन उस किले के रक्षक राजपूत उदय भानरात और थे। 3D फॉर्मेट पर रिलीज। खबर है कि अजय देवगन भी तानाजी बायोपिक को 3D में बनाने का प्लान कर रहे हैं। टोटल धमाल के बाद यह अजय देवगन की दूसरी 3D फिल्म होगी।